नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नए साल से 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने किया कोटा की महिला लाभार्थी से संवाद, लाभार्थी ने विभिन्न योजनाओं के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई, आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक के मालपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नए साल से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संकल्प पत्र के आधार पर हम राजस्थान वासियों के लिए काम करेंगे। संकल्प पत्र जो हमारा था, उस संकल्प पत्र के बाद आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को 9 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा भेंट की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की सेवा करेंगे, राजस्थान के जनता की सेवा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आमजन को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि के लिए विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और अधिकारियों से भी इसकी जानकारी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित वीसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी वीसी के जरिए हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन जन के कल्याण के लिए हमारा प्रदेश प्रतिदिन एक नया कीर्तिमान रच रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोटा की महिला लाभार्थी से संवाद भी किया। अच्छा सपना जी, जरा पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा नाम सपना प्रजापति है, मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं, जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए PMEGP लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया और उससे मेरे साथ। सपना जी, लगता है आप पढ़ी लिखी हैं। ये बताइए, आप ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन उसमें भी कुछ करती हैं क्या? उसके लोग आपके साथ उस प्रकार से जुड़ते हैं क्या? सर मेरा 95% ट्रांजेक्शन UPI रहता है, 5% कभी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। वाह। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।